हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो भी आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि किस तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम का एपीके मोड, जो भी मोड वर्जन होता है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम इंस्टा फ्लो और इंस्टा प्रो, इंस्टैंडर्ड और हॉनस्टा, जो भी कितने सारे एप्लीकेशन आप लोगों ने यूज़ किया होगा। बट जो आज के इस वीडियो में जो एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा, वो आप लोग एप्लीकेशन कहीं भी यूज़ नहीं किए रहेंगे। एंड इस एप्लीकेशन के अंदर आपको सब फीचर मिल जाते हैं। फीचर नंबर वन है कि मेंशन, आप लोग किसी के भी हिडन मेंशन स्टोरी पर देखना चाहते थे तो ये एप्लीकेशन के अंदर वो भी मिल जाएगा। आप लोग iOS वाले इमोजी यूज़ कर सकते हो, फ़ोन यूज़ कर सकते हो, और iOS जैसा टाइमर भी लगा सकते हो अपने इंस्टाग्राम रील्स के अंदर। जैसे आप लोग रील्स शेयर करते हो अपने स्टोरी पर तो टाइमर चालू हो जाता है, तो वैसे ही करूँगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है वो तो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के एंड में, बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेप है। तो जैसे आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो कि करने के बाद इस तरीके का सिंपल इंटरफेस शो होता है। आपको सिंपली अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर मैं आपको लेकर आ जाता हूँ और आपको एक एक करके सिंपल वे में आपको बता दो इस एप्लीकेशन को आपको यूज़ कैसे करना है। तो थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर एरो इंस्टा का जो ऑप्शन सेटिंग आ रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को इतने सारे ऑप्शन मिल जाते, तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको मालूम ही होगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप लोग सब ऑप्शन को ओपन कर लेना। जैसे कि फर्स्ट जो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है जैसे कि आप लोग किसी के भी मैसेज को आप लोग देख सकते हो विदाउट उसको सीन करे। यहाँ पर टाइपिंग अपना हाइड कर सकते हो और आप लोग किसी की भी स्टोरी को विदाउट उसके सीन करे देख सकते हो, उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि आप लोग ने उसका स्टोरी देखा है। यहाँ पर किसी की भी लाइव सेशन पर आप लोग जा सकते हो गोस्ट मोड के अंदर। लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग ऐप लॉक कर सकते हो। यहाँ पर इस तरीके जनरल का ऑप्शन क्लिक करोगे, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे आप लोग स्टोरी को HD क्वालिटी में अपलोड कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, जो भी स्क्वायरिंग में कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप लोग जो मैंने ओपन किया है वो भी आप लोगों को कर लेना है। स्टोरी वाले ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पर साउंड वाला ऑप्शन, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं आप लोगों के हिसाब से जो भी मैंने यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ वो आप लोगों को ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर 16 सेकंड की भी स्टोरी आप लोग लगा सकते हो अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ के अंदर। ये सबसे बेस्ट है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग iOS वाले इमोजी एंड फाउंड को यहाँ पर देख सकते हो। आपको iOS 14 का भी मिल जाता है, iOS 13 का भी इमोजी एंड फाउंड जो भी है मिल जाता है आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो। iOS 14, तो मैं iOS 14 का ही यूज़ करूँगा, तो ये आपको कर लेना है सेटिंग। 10 आपको यहाँ पर फीड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर भी आप लोगों को जैसे आपका स्टोरी को हाई क्वालिटी में अपलोड करना है, रील्स को हाई क्वालिटी में अपलोड करना है, पोस्ट को, तो आप लोग इस सेटिंग को ऑन कर लेंगे तो हाई क्वालिटी में अपलोड हो जाता है। तो ये तो कुछ काम का नहीं। यहाँ पर आप लोग इंस्टाग्राम का कलर चेंज कर सकते हो, और तो कोई इतना खास नहीं। यहाँ पर आपको डिसेबल अपडेट का ऑप्शन मिलता है, इसको बंद करना है, जिससे आपको जो भी अपडेट आएगा वो आप लोग अपडेट नहीं कर पाओगे। जैसे नेक्स्ट अपडेट आता है तो फिर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, तो आप लोगों को अपडेट नहीं करना है। फिर एक बार आपको एप्लीकेशन को एक बार रिफ्रेश कर लेना है। यहाँ पर सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको अभी डेवलपर ऑप्शन पर जाना है, तो सिंपली होम पेज पर आपको सिंपली टैप करके रखना है। जैसे आप लोग होम पेज पर ऐसा क्लिक करके रखोगे यहाँ पर इस तरीके से, और आप लोग होम पेज डेवलपर ऑप्शन पर आ जाओगे, यहाँ पर आपको मॉडिफाई वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको एक एक सेटिंग बताऊँगा, जो जो सेटिंग में बताऊँगा वो आपको पहले तो कर लेना है। तो यहाँ पर मैंशन लिख लेता हूँ। जैसे मैंशन लिखोगे आप लोगों को फर्स्ट वाला जो ऑप्शन मिलता है, जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन बन रहेगा तो उसको ओपन लेना है। यहाँ पर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको स्टोरी वाला ऑप्शन मिलेगा, सब जो आपका बंद रहेगा तो आपको सिंपली सब ऑप्शन को ओपन कर लेना है, लाइन टू लाइन सब ऑप्शन को ओपन कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, फिर से सर्च वाले ऑप्शन पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लिखना है ब्रांडिंग। जैसे लोग यहाँ पर ब्रांडिंग लिखोगे, यहाँ पर आप लोगों को क्या होगा, इससे आप लोग अपने इंस्टाग्राम पर टाइमर वाला जो स्टोरी होता है वो लगा सकते हो। तो जो लास्ट वाला जो ऑप्शन था उसको ही ओपन करना है और सबको बंद करके रखना है, तो ये कर लेना है। यहाँ पर आपको फिर से सर्च वाले ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर आपको इमोजी लिखना है। इमोजी लिखोगे, जैसे आप लोग इमोजी लिखोगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर माइग्रेट वाला ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर 5 रहेगा तो सिंपली इसको कट करके आपको इसको 0 कर देना है, जिससे आप लोग iOS वाला इमोजी यूज़ कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ के अंदर। ठीक है ना, तो सिंपली आपको सब तो सेटिंग अपना हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन को इस तरीके से रिफ्रेश कर लेना है, फिर से ओपन कर लेना है एप्लीकेशन को। तो चलो मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरीके से आप लोग iOS वाले इमोजी यूज़ कर सकते हो। तो यही पोस्ट को मैं अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करके दिखाता हूँ आप लोगों को, और वो iOS वाला जो इमोजी है मैंने आपको बताया था वो यूज़ करके बताता हूँ किस तरीके से वो यूज़ हो रहा है। तो सिंपली मैं अपनी स्टोरी पर ले जाता हूँ।
सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप लोग iOS वाला जो इमोजी है अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एनेबल हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हो हर एक आपका इमोजी वर्क कर रहा है। यहाँ पर फर्स्ट पे ही वो वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर जो जितने भी स्टोरी जितने भी दिख रहे हैं आपको फ़ोन उस पर यूज़ नहीं होगा, फर्स्ट वाले में ही यूज़ होगा। यहाँ पर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, सब ही बेस्ट है iOS वाले, ठीक है। तो iOS वाले इमोजी तो आपका हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि iOS जैसा आप लोग रील कैसे शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम के स्टोरी में टाइमर के साथ। सो गाइस फाइनली यहाँ पर टाइमिंग वाला रील आपका इंस्टाग्राम का शेयर हो जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने ब्रांडिंग वाला जो ऑप्शन को एनेबल किया था लास्ट वाला ऑप्शन ओपन करके, तो इस तरीके से आप लोग ब्रांडिंग वाला ऑप्शन ओपन करके टाइमर को ला सकते हो इंस्टाग्राम के स्टोरीज के अंदर iOS जैसा आप लोग का वर्क करेगा, ठीक है ना। अभी आपको यहाँ पर अगर चाहते हो आप लोग कवर यूज़ करना तो आप लोग इसके अंदर कवर भी यूज़ कर सकते हो, या तो आप लोग इस तरीके से इसको हाइड कर देना, यहाँ पर टाइमर देखेगा बस उससे ही अपने को मतलब है टाइमर से, जिससे आप सबको लगेगा कि वो iOS वाला ही है, ठीक है। तो iOS वाला टाइमर भी आ गया है और iOS वाला इमोजी भी ऐड हो चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ आप लोग हिडन मेंशन को किस तरीके से देख सकते हो किसी की भी स्टोरीज के हिडन मेंशन को। तो सिंपली मैं आपको इस ये वाली स्टोरी पर लेकर आ जाता हूँ। यहाँ पर इसने मेरे को मेंशन किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके बता दूँ कि इसने मेरे को मेंशन किया तो मैं दिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ठीक है ना। आप लोग किसी के भी हिडन मेंशन को भी इस तरीके से देख सकते हो इस एप्लीकेशन के अंदर। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है एप्लीकेशन, तो आपको यूज़ करना है। तो होप्स आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किस तरीके से करना है आपको इंस्टाग्राम का ये जो APK है वो मैं दे दूंगा टेलीग्राम के अंदर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी पासवर्ड यूज़ करना है वो भी आपको मैं टेलीग्राम के अंदर ही दे दूंगा। तो जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। होप्स आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।